सबके सब इकट्ठे हो गए प्रभु की सेवा करने के लिए। और कमल का फूल खिलता है दिन में, लेकिन कमल का फूल खिल गया रात में। बोले क्यों खिल गया? बोले जब संत लोग भगवान के स्वरूप को उदाहरण देंगे, बोले नमो पंकज नारायण, नमो पंकज माली, उदाहरण देंगे भगवान के सारे, उनका हस्त कमल, चरण कमल, नेत्र कमल, मुख कमल, नाभि कमल, सबके सब कमल कमल को साथ में उदाहरण देंगे। इसलिए कमल फूल रात में ये कमल फूल खिल गया और ये पृथ्वी इतने प्रसन्न हो गई। बोले क्यों पृथ्वी प्रसन्न हो गई? बोले भगवान स्वयं नंगी, यदि यही पृथ्वी सत्य भामा बन करके वो भी कृष्ण लीला में आने वाले, मेरे को अपना पटरानी बनाएंगे। कहते यमुना नदी बड़ी प्रसन्न। बोले क्यों? बोले जब मैं वृंदावन में रहूंगी, मैं विशाखा सखी रूप में कृष्ण की सखी बनूंगी। यही यमुना जब मथुरा में जाएगी, फिर क्या? कहते कृष्ण का पटरानी बनूंगी। फिर यमुना नदी में कृष्ण बड़े सुंदर जल विहार करेंगे। इसलिए यमुना नदी की प्रसन्नता वो कलकल नाद से यमुना से निकलते हुई भगवान कृष्ण की जयकार करते हुए आ रहे थी। बोले श्री कृष्ण हम लोग का आनंद नहीं आ रहे कृष्ण आए तो जयकार क्यों नहीं देते हो? बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इतने में जितने सारे नदियां वो भी प्रसन्न हो गई। बोले क्यों प्रसन्न हो गई? बोले सबसे बड़ी नदी श्री यमुना जी, कृष्ण ये यमुना को साथ में शादी करेंगे और इनका छोटी छोटी नदियां इनकी बहनी बनी जाएगी। इसीलिए हम सबके सब भगवान की सालियां बन जाएगी। इसलिए सारी नदियां प्रसन्न हो रही थी। कृष्ण जब आए वो अष्टमी रात थी, अष्टमी का चंद्रमा आधा होता है, लेकिन चंद्रमा पूर्ण रूप में प्रकट हो गए। बोले क्यों? बोले कृष्ण आज मेरे वंश में आ रहे हैं, इसलिए पूर्ण चंद्रमा प्रकट हो गए। सारा दुनिया में जय जयकार हो रहा था और भगवान कृष्ण कंस की कारागार में प्रभु देवकी वसुदेव के पुत्र रूप में, चतुर्भुज रूप में भगवान दर्शन दिए। बोले श्री कृष्ण के नैया कितने में देवकी कह रही है, बोले प्रभु आपको तो मैंने अपना पुत्र रूप में प्रार्थना की थी, आप तो ये चतुर्भुज रूप लग रहे क्यों आए? बोले पूर्व जन्म में तुम दोनों कृष्णी और सुतपा थे, मेरी कठोर तपस्या की, केवल पेड़ से जो पत्ते गिर जाते थे खा खा करके। बोले क्या चाहिए? बोले हे प्रभु मैं चाहता हूँ आप मेरे पुत्र बन करके आओ, इसलिए तुम्हारी वाक्यों को रक्षा करने के लिए मैंने यहाँ पर तेरे को चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया। अभी मैं बालक बन जाऊंगा, फिर मेरे को लेकर के तू गोकुल में छोड़ करके आ जाना, वहां पर एक बेटी को लेकर के आ जाना। बोले प्रभु हथकड़ी बड़ी पड़ी हुई, पहरादार सोए जगे हुए, बड़े बड़े ताला लगा हुआ। बोले कोई चिंता मत करो, केवल मेरे को सर में उठा दो, ये सारे बंधन तुम्हारी खत्म हो जाएगी। इतने में उन्होंने एक सूप पड़ा हुआ था, उसको ऊपर में कृष्ण को लेटा दी और वसुदेव महाराज जब चल रहे थे अपनी आवश्यक दरवाजा खुल गया, पहरादार सो गए। इतने में रिमझिमी रिमझिमी बारिश हो रही थी, स्वयं अनंत देव छत्र रूप में भगवान को रक्षा कर रहे थे। जब उन्होंने यमुना में प्रवेश की, यमुना भी चाह रहे थी प्रभु का चरण का स्पर्श मिले, इतने में पानी उफन रहे थे पानी, वसुदेव महाराज डर गए और कृष्ण को उन्होंने ऊपर उठा दिया। बोले कोई हो तो मेरे लाला को ले लो, इसलिए वो गांव का नाम पड़ गया को ले। जब उन्होंने गए इतने में कृष्ण पीछे से उन्होंने अपना चरण को पीछे बढ़ा दी और यमुना नदी ने भगवान का चरण को स्पर्श की, बस आनंद में प्रफुल्ल हो गई और यमुना नीचे नीचे धीरे उतर गई। इतने में जोग माया के सियार बन करके आई और सामने सामने जा रही थी, वसुदेव महाराज बोले पानी इतना सा, बोले पानी। फिर वसुदेव महाराज यमुना को पार करते हुए कृष्ण चले गए गोकुल में। फिर क्या कथा होती है फिर हम इसको कल सुनेंगे, आज तक कथा सुने कृष्ण कैसे मथुरा में प्रकट हुए, कल बड़ा प्यारा कथा सुनेंगे कृष्ण कैसे गोकुल में नंद के लाला बन करके आते हैं और नंद के आनंद भयो जय। कल हम लोग ने
नंद की लाला की कथा सुनेंगे और श्री राधा रानी कैसे जन्म लेती हैं उसकी भी कथा सुनेंगे और भगवान राम की कथा सुनेंगे, कैसे मैया जसोदा कन्हैया को गोद में थपथप लगा करके प्रभु राम की कथा कैसे मैया सुनाती है कन्हैया को, कल ये कथा सुनेंगे। और कल से राधा रानी जन्म लेगी, सबके साथ गुलाबी रंग की साड़ी पहन कर जाना, ठीक है। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, जय जय श्री राम। बच्चे को ना प्रभु जी, बच्चे को माता जी हाथ कर लिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। नंद के द्वार हाँ द्वार लाला के दर्शन करे नंद के द्वार लाला के दर्शन करे लाला के दर्शन करे उसे 84 लाख योनियों में नंदना नहीं करता, इसलिए उसका बिना विनाश से भय है कन्हैया को बता दे। Yeah, I don't know.